मम्मा मम्मा, आज पहले मैं पराठा खाऊंगा। नहीं, मैं पहले पराठा खाऊंगा। नहीं मम्मा, आज मैं पहले उठा था, पहले मुझे पराठा मिलेगा। चिड़िया के बच्चे इस तरह आपस में पराठे के लिए झगड़ा कर रहे थे। इतने में चिड़िया इनसे कहती है, बच्चों ऐसे लड़ते नहीं हैं, मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे। और फिर वो चिड़िया अपने तीनों बच्चों को एक एक पराठा दे देती है। दो बच्चे तो बहुत सब्र से पराठा ठंडा होने का इंतजार करते हैं, लेकिन एक बच्चा जिसे हर काम की बहुत जल्दी होती है, वो गरम गरम ही सारा पराठा खा लेता है और इसका मुंह अंदर से बुरी तरह जल जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा मुंह जल गया, मुझे मुंह में बहुत जलन हो रही है। मम्मा मम्मा, मैं क्या करूं? और खाओ गरम गरम पराठे, तुम्हें भी तो हर काम में जल्दी होती है, सबर नाम की तो चीज ही नहीं है तुम्हें। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाना ठंडा करके खाया करो, हर काम में जल्दी मत किया करो, लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा मुंह बहुत जल रहा है। मम्मा मेरा कुछ करें प्लीज। करना क्या है, चलो मैं तुम्हें तोते अंकल के पास ले जाती हूँ, वो तुम्हें दवा देंगे, फिर ही तुम्हारा दर्द ठीक होगा। बच्चों तुम लोग घर पर ही रहना और घर का ध्यान रखना, मैं बड़े की दवा लेकर आती हूँ। मम्मा तोते अंकल से कहिएगा इसे बड़ा वाला टीका लगाएं, फिर ही ये खाना ठंडा करके खाया करेगा। तुम चुप करके बैठो, मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें दर्द हो तो पता चले। और फिर चिड़िया अपने बेटे को तोते के पास ले जाती है। क्या हुआ बहन, कैसे आना हुआ? तोते भैया, मैंने आलू वाले पराठे बनाए थे और मेरे बड़े बेटे ने गरम गरम ही पराठा खा लिया, अब इसके मुंह में बहुत दर्द हो रहा है, इसे या तो कोई दवा दे दे या टीका लगा दे। अच्छा तो ये बात है, अब तो तुम्हें बड़े वाला टीका ही लगाना पड़ेगा। नहीं अंकल प्लीज, मुझे टीका मत लगाइएगा, आप मुझे कोई गोली दे दें या फिर शरबत दे दें, मगर मुझे टीका मत लगाइएगा प्लीज, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। अब तुम्हें पता चलेगा, मैं ना कहती थी कि खाना ठंडा करके खाया करो। मम्मा प्लीज, इस बार मुझे टीके से बचा लें, अगली बार मैं कभी गरम गरम खाना नहीं खाऊंगा, हमेशा खाना ठंडा करके ही खाऊंगा, प्लीज मम्मा मुझे टीके से बचा लें इस बार। पहले तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि आइंदा तुम किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करोगे और अपनी मम्मा की बात मानोगे। मैं वादा करता हूँ, आइंदा खाना ठंडा करके ही खाऊंगा, बस आप मुझे कोई शरबत वगैरह दे दें जिससे मेरा मुंह ठीक हो जाए, बस मुझे टीका ना लगाएं आप। तोते भैया, इस बार तो बड़े ने पक्का वादा कर लिया है कि वो आइंदा जल्दबाजी नहीं करेगा, अब आप इसे टीका मत लगाएं, कोई शरबत ही दे दें। और फिर तोता इसके मुंह में शरबत वाली दवा के दो कतरे डालता है जिससे उसका मुंह ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। क्या आपका भी कभी गरम गरम पराठे खाने से मुंह जला है? कमेंट में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा। चिड़िया और कबूतर सुबह से उड़ रहे थे, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। बहुत मेहनत के बाद उन्हें पहाड़ों के दरमियान एक दाना मिल जाता है। शुक्र है हमें खाने को कुछ तो मिला, वरना तो आज लग रहा था कि खाली पेट ही घर वापस जाना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो कबूतर भैया। अभी वो दाना खाने ही वाले थे कि वहाँ कौवा आ निकला। वो कौवा बहुत बुरा था, वो हर परिंदे को तंग करता था। वो आकर इनसे कहता है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, और ये दाना मत खाना क्योंकि ये दाना मेरा है। क्यों जी काले कव्वे, किस खुशी में ये दाना तुम्हारा है? ये हमने पहले देखा है, इसलिए इसे हम खाएंगे। मेरे साथ बहस मत करो, मैं ये दाना रख कर पानी पीने गया था कि आकर इसे खाऊंगा, और तुम दोनों इधर आ पहुँचे। बस इसी बात पे कव्वा इनसे लड़ने लगता है और बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। वो कव्वे का खूब मुकाबला करते हैं, लेकिन कव्वा इनसे ज्यादा ताकतवर था। वो इन दोनों की बहुत मार कुटाई करता है, कौवा इनको मार के भाग जाता है, लेकिन इस लड़ाई में चिड़िया का एक पर जख्मी हो जाता है।
कबूतर भैया, मेरा पर्स तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है, इससे तो बेहतर था कि हम ये दाना उस कौवे को ही दे देते। चिड़िया, आज अगर हम ये दाना उसको आराम से दे देते तो ये कौवा हमें रोज तंग करने आ जाता, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। कबूतर भैया, मेरा पर तो जख्मी हो गया है और आप तो जानते ही हैं, इस इलाके में चीलें जख्मी परिंदों को जिंदा नहीं छोड़ती। हम ऐसा करते हैं, हम रात होने का इंतजार करते हैं, जैसे ही रात होगी हम अंधेरे में यहाँ से निकल जाएंगे, इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चीलों को तो खून की खुशबू बहुत दूर से आ जाती है। चिड़िया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस तुम रात होने का इंतजार कर लो, अंधेरा होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर चिड़िया की नज़र पास पड़े हुए एक बड़े परिंदे की हड्डियों पर पड़ती है। कबूतर भैया, ये तो किसी बड़े परिंदे की हड्डियाँ लग रही हैं। इसे भी इन चीलों ने ही मारा होगा और फिर इसका मांस खा लिया होगा। चिड़िया, तुम तो ऐसे ही डर रही हो, कुछ नहीं होगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक चील आ निकलती है और वो दूर बैठकर इन्हें घूरने लगती है। चिड़िया बहुत डर जाती है। कबूतर भैया, वो देखो, वो चील हमें ही देख रही है, लगता है अभी हमला कर देगी, अब क्या होगा। तुम बस मेरी बात गौर से सुनो, अब हमें थोड़ा नाटक करना होगा। इतने में वो चील उनके पास आ जाती है। चील बाजी, आप जरा देर से आई हैं, अब तो सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। बहुत मजेदार और बड़ी चील थी, बहुत मुश्किल से शिकार किया हमने, तभी तो देखो चिड़िया भी जख्मी हो गई। थोड़ी देर पहले आ जाती तो तुम भी मजा ले लेती, बहुत ही मजेदार गोश्त था। ये तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना, अब हम कबूतर और चिड़िया भी शिकार करने लगे हैं, अब हम ताज़ा गोश्त खाते हैं, हमसे अब रूखी सूखी घास फूस नहीं खाई जाती। ये तो बहुत ताकतवर परिंदे लगते हैं, हैं तो छोटे छोटे, मगर शिकार किया इतनी बड़ी चील का, कहीं ये मुझे भी शिकार करके न खा जाए। ये सोचकर वो चील वहाँ से भाग निकलती है। बच गए हम कबूतर भैया, हम बच गए। हाँ, बस तुमने घबराना नहीं है, जो भी चील आएगी हम इससे यही कहेंगे और रात होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। बस अभी हम अगर यहाँ से उड़े तो तुम्हारे खून की खुशबू से सब चीलें इकट्ठी हो जाएंगी और हमें मार डालेंगी। इधर कौवा भी गुस्से से लाल पीला होकर घर जा रहा था, रास्ते में इसे अपनी बीवी मिल जाती है और वो इसके पास चला जाता है। क्या हुआ कौवे? बस आज एक कबूतर और चिड़िया से लड़ाई हो गई। इस कबूतर और चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरे शोहर पे हमला करें, कहाँ है वो? वो पहाड़ों के दरमियान थे, अभी भी शायद वहीं होंगे। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ, वहाँ मेरी सहेली चील रहती है, मैं इसे बताती हूँ। और फिर वो दोनों पहाड़ों के दरमियान की तरफ चल पड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते सीधा चील के पास चले जाते हैं। चील बाजी, वैसे तो यहाँ और भी बहुत सी चीले हैं, मगर मुझे आप ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ये खबर आपको देने के लिए आई हूँ। पहाड़ों के दरमियान एक कबूतर और चिड़िया हैं। चिड़िया का पर जख्मी है, आपको तो जख्मी परिंदे बहुत पसंद है, आज जाकर आप जरा पार्टी ही कर लें। क्या जख्मी चिड़िया? मुझे जख्मी परिंदे बहुत ज्यादा पसंद हैं। जल्दी चलो, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। कौवा और इसकी बीवी चील को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और जरा दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर और चिड़िया तो वहीं बैठे रात होने का इंतजार कर रहे थे। वो देखें चील बाजी, वो दोनों वहीं बैठे हैं। आप जल्दी से पीछे से जाकर इस चिड़िया को पकड़ लेना, वो तेज नहीं उड़कर भाग सकेगी क्योंकि उसका पर जख्मी है और आप आसानी से इसे शिकार करके खा लेंगी। इतने में चिड़िया और कबूतर उन्हें देख लेते हैं और वो फिर से नाटक करते हैं। इतना बड़ा परिंदा खा लिया, लेकिन मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा। जब से गोश्त खाना शुरू किया है, खाने का तो मजा ही कुछ और है, मुझे तो और भूख लगी है। बस वो कौवा और कभी आते ही होंगे उस चील को लेकर,
वो इस चील को बेवकूफ बना रहे होंगे और वो चील हमें खाने की लालच में यहाँ आ जाएगी। इसे क्या पता कि हम तो खुद गोश्त खाते हैं और हमने तो कितनी बड़ी बड़ी चीलों का शिकार करना सीख लिया है। बस ये सुनने की देर थी कि वो चील डर गई। ये तो मुझसे भी ज्यादा जालिम परिंदे लगते हैं। मेरा तो फिर भी एक शिकार से पेट भर जाता है, लेकिन इनका तो बड़े बड़े शिकार खा के भी पेट नहीं भरता। ये तो मुझे मार ही डालेंगे। और कव्वे और कवि, तुम दोनों की तो मैं बाद में अच्छे से खबर लूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। ये कहकर चील वहाँ से भाग जाती है। कव्वा पीछे से बहुत आवाजें लगाता है, लेकिन चील एक नहीं सुनती। और चील बाजी, बात तो सुने, ये लोग नाटक कर रहे हैं। चिड़िया का पर तो मैंने जख्मी किया है और ये हड्डियाँ तो पहले से यहाँ पड़ी हैं। चील बाजी सुने तो। मगर चील तो उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। ये कबूतर और चिड़िया तो बहुत चालाक निकले, कैसे इस चील को डराकर भगा दिया दोनों ने। कव्वा और कवि, अकल हो तो किसी का भी मुकाबला किया जा सकता है। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अकल बड़ी या भैंस। अब तुम भी यहाँ से निकलो। कव्वा और कवि नाकाम होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। कबूतर और चिड़िया अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए सही सलामत अपने घरों को पहुँच जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अकलमंदी से बड़ी मुसीबत का भी मुकाबला किया जा सकता है। Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you.